स्टार्ट। हेलो, हेलो, ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ऑनलाइन बेंचर्स बाय एग्जाम्पर एंड एग्जाम्पर डिफेंस वॉरियर। रात के 8 बज चुके हैं, हम लोग एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और धमाकेदार लाइव सेशन के साथ। भाई साहब, जितने लोग चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो को सब लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ सकें। जय हिंद ऑफिसर्स, आ जाइए, सभी का स्वागत है। हाय टीपू सुल्तान, अमृत प्रकाश, अशोक, यशवेंद्र, दीपक, शानूर, चांदनी, विपिन, फटाफट सब लोग आ जाइए। अमन टेक्निकल, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने परिवार ऑनलाइन बेंचर्स और एग्जाम्पर डिफेंस वॉरियर के सबसे इंपॉर्टेंट सेशन एक्सप्रेस 365 करंट अफेयर्स। आज है भैया 27 मई। भाई साहब, दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन हमारा करंट अफेयर्स शो डेली चलता है, क्योंकि करंट अफेयर्स की वैल्यू भी तो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा है। शायद ही कभी ऐसा कोई दिन होता है जब हमारा ये सेशन ना होता हो, कोई बहुत बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए तो बात अलग है, वरना हम लोग जो हैं डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स को लेकर के पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। इसके पीछे रीजन है बेटा, क्योंकि आज की तारीख में आपके पेपर में करंट अफेयर्स की वैल्यू भी तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एक समय था 10 साल पहले जब आप करंट अफेयर्स नहीं भी करते थे ना तो भी आपका एग्जाम निकल जाता था, लेकिन आज बिना करंट अफेयर्स के आपका जीएस का सेक्शन नहीं निकल सकता। भाई साहब, ये समझ लीजिए कि प्रॉब्लम ये है कि जीएस के अंदर जो 15-20% क्वेश्चन आते हैं वो तो करंट अफेयर्स के हैं, और करंट अफेयर्स को करना बेटा इतना आसान नहीं है क्योंकि ये काफी भारी लेवल की करंट अफेयर्स होती है। अब होता क्या है बच्चों कि भारत जैसे देश को आप इमेजिन करिए जहां पर 130 करोड़ की आबादी है, आप सोचिए कि इस देश में कुछ 100 सीटों के लिए कंपटीशन कितना ज्यादा स्टिफ होता होगा, कितना ज्यादा कहते ना क्लोज कॉम्बैट होती होगी, आधे आधे नंबर से, एक एक नंबर से मैंने देखा है लोगों की कट ऑफ रुक जाती है। तो यहां पर 15-20 नंबर तो आप मिस करना अफोर्ड ही नहीं कर सकते, मतलब अगर आपने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ी तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। ये मैं आपको डेली इसलिए बताता हूं ताकि आप करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस से अवगत हो सकें। अब भाई, करंट अफेयर्स पढ़ने के दो तरीके हैं। एक वो हमारे सबसे अच्छे बच्चे जो सुबह डेली जो हैं द हिंदू लेकर बैठ जाते हैं। भाई हिंदू एक बड़ा शानदार न्यूज़पेपर है, लेकिन उसकी एक समस्या है कि उसको पढ़ने के लिए चाहिए 3 घंटे। अब आपने 24 में से 3 घंटे द हिंदू को पढ़ने में लगा दिए तो मुझे लगता है कि जो उसका ROI है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वो अच्छा नहीं है। दूसरे वो लोग होते हैं जो कभी करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते, अंत में मेरे पास चले आते हैं, सर करंट अफेयर बता दो। अरे भैया, मेरे पास कोई रामबाण तो है नहीं, संजीवनी बूटी तो है नहीं कि घोल के तुम्हें पिला दूंगा। भैया देखो, करंट अफेयर्स करने के लिए आपको डेली जो है बेटा 45 मिनट तो देने पड़ेंगे। डेली 45 मिनट दोगे जब डेली की टॉप न्यूज कर पाओगे, डेली के टॉप क्वेश्चंस कर पाओगे, और डेली की PDF तुम्हें ऑनलाइन बेंचर्स बाय एग्जाम्पर और एग्जाम्पर डिफेंस वॉरियर के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। अब बच्चे पूछते हैं कि सर, हम इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम ये करंट अफेयर्स पढ़ें। देखो बेटा, इस करंट अफेयर्स को कौन से बच्चे पढ़ें, तो जो बच्चे CDS की तैयारी कर रहे हैं, OTA की तैयारी कर रहे हैं, CAPF की तैयारी कर रहे हैं, NDA की तैयारी कर रहे हैं, UPSC CSE की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, FCAT की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो भी आपको यह अधिकार है कि आप देश दुनिया की खबरों से पूरी तरह से अवगत रहें।
तब भी आपको करंट अफेयर्स डेली पढ़ना चाहिए। चलो भाई शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज टोटल खबरें हैं 8 भाई, अलग अलग दिन अलग अलग होती हैं, कभी 7 भी होती हैं, कभी 9 भी होती हैं, कभी 10 भी हो जाती हैं। आज खबरें हैं टोटल 8। तो सब लोग भैया आ चुके हैं, बता दें, मुझे हरी झंडी दिखा दें, सेशन शुरू करने से पहले एक बार लाइक और शेयर ठोक दें ताकि और भी लोग हमारे साथ यहां पर अब जुड़ना शुरू हो जाएं। चलो भाई शुरू करते हैं। पहली खबर, ये काफी बड़ी खबर है और आपके एग्जाम के लिए काफी बड़ा इंपॉर्टेंस रख सकती है। भाई साहब 100+ तो करो यार, 100+ होते हैं तब मजा आता है। भाई साहब लगा दो जोर एक बार ऑनलाइन बेंचर्स बाय एग्जामपुर और एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर, एक बार सब लोग फटाफट शेयर और लाइक कर दें। चलो भाई पहली खबर देखो, आज सुबह की है, ये द हिंदू की खबर है, याद रखिएगा। देखिए मैं फोटो भी डाल देता हूं ताकि आपको यकीन हो जाए कि मैं द हिंदू से आपको बहुत सारी चीजें देता हूं। देखो बेटा, मेकेडाटू मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ये देखिएगा, ये एक बहुत ही फेमस मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बन रहा है मेकेडाटू। अब आपने इसके बारे में सुना होगा, कर्नाटका में ये कावेरी नदी के पास बन रहा है, इसका नाम है मेकेडाटू मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, जिसको लेकर के लोगों के बीच में थोड़ा सा बवाला था। इस चीज को लेकर के आज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में आपने सुना होगा, एनजीटी के बारे में। तो एनजीटी तो आप जानते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हमारे देश की बड़ी इंपॉर्टेंट संस्थान है। एनजीटी, राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल जिसे कहते हैं, इसने जो है बेटा आज एक नोटिस जारी किया है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल फॉर्म्स अ पैनल टू प्रोब एलिगेशंस ऑफ अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन इन मेकेडाटू। अब देखिएगा, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक पैनल की नियुक्ति की है कि भैया जांच करिए कि जो लोग शिकायत कर रहे हैं कि वहां पर कुछ इलीगल या अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जरा देखिए कि वाकई में बात सही है या नहीं है। आइए देखते हैं। तो द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज अपॉइंटेड अ जॉइंट कमिटी to look into allegation of unauthorized construction activity taking place in Mekedatu, where the Karnataka government has proposed to construct a dam across the Kaveri River. तो National Green Tribunal ने Mekedatu में अनधिकृत निर्माण गतिविधि के आरोप को देखने के लिए एक संयुक्त समिति नियुक्ति की है, जहां कर्नाटका सरकार ने कावेरी नदी पर एक बांध बनाने का प्रस्ताव रखा था। अब होता क्या है कि ये ट्रिब्यूनल ने ऐसा क्यों किया है, दरअसल जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारी न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स होती हैं, वो बताती हैं कि बहुत सारा अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन जो है मेकेडाटू में हो रहा है। इसको देखते हुए एनजीटी ने क्या किया, एनजीटी ने बेटा एक सुओ मोटो नोटिस जारी किया। अब आप पूछोगे सर ये सुओ मोटो नोटिस का मतलब क्या होता है। देखो बेटा होता क्या है कि जब हम जा करके कंप्लेंट करते हैं और हमारी कंप्लेंट पर कोई बॉडी एक्शन लेती है वो तो नॉर्मल चीज है, लेकिन हमारे कंप्लेंट करे बगैर जब कोई बॉडी एक्शन लेती है तो उसे सुओ मोटो कहा जाता है, स्वयं इच्छा। तो जब कोई संस्थान अपनी इच्छा से किसी मामले में एक्शन लेती है तो बेटा उसे सुओ मोटो नोटिस कहते हैं। तो ये सुओ मोटिस नोटिस जारी किया है किसने, एनजीटी ने जारी किया है। एक्टिंग सुओ मोटो बेस्ड ऑन अ मीडिया रिपोर्ट द एनजीटी हैज डायरेक्टेड द पैनल टू सबमिट अ रिपोर्ट ऑन और बिफोर 5 जुलाई। तो देखिएगा, मीडिया रिपोर्ट के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए एनजीटी ने पैनल को 5 जुलाई या उससे पहले एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। द मेकेडाटू मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स बिल्डिंग अ बैलेंसिंग रिजर्वॉयर अक्रॉस द कावेरी रिवर नियर द कनकपुरा इन द रमन गरम डिस्ट्रिक्ट। तो मेकेडाटू बहुउद्देशीय परियोजना में रामनगरम जिले में कनकपुरा के पास कावेरी नदी पर एक संतुलित जलाशय का निर्माण शामिल है। इट एनविसेजेस सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर टू बैंगलोर एंड रामनगरम डिस्ट्रिक्ट बिसाइड जनरेशन ऑफ पावर। अब बेसिकली ये क्यों बनाया जा रहा है मेकेडाटू में, तो इसके दो पर्पस हैं। पहला तो ये है कि बैंगलोर और उसके साथ साथ जो रामनगरम नाम के जिले हैं उनको पीने का पानी मिलेगा, और इसके साथ साथ यहां पर एक जल विद्युत संयंत्र भी लगेगा, मतलब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी यहां पर एक लगाया जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो द प्रोजेक्ट वॉज कंसीव्ड इन 2013 एंड 2017 द कर्नाटका स्टेट कैबिनेट डिसाइडेड टू इंप्लीमेंट इट। द प्रोजेक्ट हाउएवर रैन इन द कंट्रोवर्सी आफ्टर तमिलनाडु अपोज इट ऑन द ग्राउंड दैट द प्रोजेक्ट वायलेट्स द कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल अवार्ड्स। मेकेडाटू मीनिंग गोड्स लीप इज अ डीप जॉर्ज
सिचुएटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर कावेरी एंड इट्स ट्रिब्यूटरी अर्कावती, याद रखिएगा। तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल में ही खबरों में रहा मेरेकटाडू क्या है, आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि हाल में ही खबरों में रहा यह मेकेडाटू क्या है। सो मेकेडाटू बेटा एक मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट है कर्नाटका में, याद रखिएगा। और इसके ऊपर जो है यहाँ पर अनऑथराइज्ड और इलीगल कंस्ट्रक्शन को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक पैनल तैयार किया है कि जाओ और वाकई में देखो कि जो मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं वो सही हैं या सिर्फ ऐसे ही फर्जी खबरें फैली हुई हैं, याद रखिएगा। सो पहली खबर है मेकेडाटू के लेकर के। तो मेकेडाटू मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है थोड़ा विवादों में आ गया है, जो कर्नाटका में कावेरी नदी पर बन रहा है। इसके दो पर्पस हैं, पहला है कि बैंगलोर और रामनगरम जाम के जो दो जिले हैं उनको साफ पीने का पानी, और इसके साथ साथ एक जल विद्युत संयंत्र भी यहां लगाने की बात की गई है। फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए, बहुत बढ़िया। आइए दूसरी खबर देखते हैं। ओके भाई साहब, ये देखिए आजकल ये न्यूज में काफी है, इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड। भाई आपने सुना होगा कि डिजिटल मीडिया को लेकर भारत सरकार ने एक एथिक्स कोड जारी किए हैं, जिसको लेकर के ट्विटर और फेसबुक तो मान गया है लेकिन व्हाट्सएप इसको मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। होता क्या है कि व्हाट्सएप कहता है कि हम अपना डेटा आपको कभी भी नहीं दे सकते, चाहे कोई अपराध ही क्यों ना हो जाए, हम अपना डेटा कभी लीक नहीं कर सकते हैं, ये भैया व्हाट्सएप कहता है। लेकिन भारत सरकार ने भैया यहां पर साफ कर दिया है एक डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड बना करके कि जरूरत पड़ने पर आपके जो हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें सरकार को डेटा देना पड़ेगा, याद रखिएगा, ये बहुत बड़ी खबर है। सो गाइड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड आज हमारे देश में लागू हो गया, ये देखिएगा इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, काफी इंपॉर्टेंट खबर है। तो डिजिटल मीडिया कोड आज हमारे देश में लागू कर दिया गया, ठीक है। आइए आइए से देखते हैं, समझते हैं। तो द ये देखिएगा सॉरी द न्यू रूल्स फॉर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड डिजिटल न्यूज आउटलेट कॉल्ड द इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड केम इनटू इफेक्ट, याद रखिएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और डिजिटल न्यूज आउटलेट्स के लिए नए नियम जिन्हें इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड कहा जाता है लागू हो गया है। ये बेटा माइटी ने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, याद रखिएगा। सो भैया ये नए आईटी रूल्स हैं जो भारत सरकार ने लागू किए हैं डिजिटल मीडिया कंपनियों के लिए, सोशल मीडिया कंपनियों के लिए और जो मीडिया आउटलेट्स हैं। आइए देखते हैं। The guidelines has asked all social media platform to set up a grievance redressal and compliance mechanism, which include appointing a resident grievance officer, chief compliance officer and a nodal contact person. दिशा निर्देशों में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शिकायत निवारण और अनुपालन तंत्र स्थापित करने को कहा गया है, जिसमें एक निवासी शिकायत अधिकारी, मुख्य अनुपालन अधिकारी और नोडल संपर्क व्यक्ति की नियुक्ति शामिल है। भैया यहां पर साफ कर दिया गया है कि आपको हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जो है एक ग्रीवियंस रिड्रेसल जो सेल है वो चलाना पड़ेगा। जैसे कि व्हाट्सएप पर अगर आपको कोई परेशान कर रहा है या फेसबुक पर आपको कोई परेशान कर रहा है या आपको किसी की शिकायत दर्ज करनी है, तो उसके लिए ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि भैया ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म आपको लागू करना पड़ेगा और साथ में आपको तीन अधिकारियों की नियुक्ति करनी पड़ेगी, जिसमें जो है रेसिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर होगा, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर और नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन होना चाहिए। द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज आल्सो आस्क्ड दिस प्लेटफॉर्म टू सबमिट मंथली रिपोर्ट्स ऑन कंप्लेंट्स रिसीव फ्रॉम यूजर्स एंड एक्शन टेकन। भाई साहब देख रहे हैं, तो बकायदा भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इन सब से कहा है कि एक महीने में आपके पास कितनी कंप्लेंट्स आती हैं और आपने उन कंप्लेंट्स पे क्या एक्शन लिया, इसकी रिपोर्ट हमें हर महीने के अंत में चाहिए। तो भाई साहब ये भी एक बहुत बड़ा उनके ऊपर कंप्लायंस आ गया है। अब ये कंप्लायंस का पालन करना पड़ेगा, आपको हर महीने सरकार को डेटा देना पड़ेगा कि एक महीने में आपके पास कितनी शिकायतें आईं और उन शिकायतों के निवारण के लिए आपने क्या किया।
The third requirement was instant messaging apps was make provision for tracking the first originator of message. समझिएगा, instant messaging apps के लिए तीसरी आवश्यकता किसी संदेश के पहले प्रवर्तक को ट्रैक करने के लिए प्रावधान करना था। यह बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा अक्सर व्हाट्सएप पर बेटा भड़काऊ खबरें आती हैं, अनशंड खबरें आती हैं, तो इस कंडीशन में भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कहा है कि आपको यह पता करना पड़ेगा कि मैसेज ओरिजिनेट कहां से हुआ है, मतलब पहली बार यह मैसेज कहां से उठा है। वैसे तो आप भी जानते हैं किसी पार्टी का आईटी सेल भी इसमें काफी बदनाम है, तो वैसे मैं इस बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि मैं राजनीतिक मसलों से दूर रहना चाहता हूं। तो सरकार तो कह रही है कि भैया हमें ओरिजिनेटर ऑफ मैसेज को ढूंढना बहुत जरूरी है कि मैसेज उठा कहां से है, लेकिन किसी पार्टी का जो है आईटी सेल काफी ज्यादा देश में मशहूर है, आप लोग भी जानते होंगे। एनीवेज, फेलियर टू कंप्लाई विद एनी ऑफ दीज रिक्वायरमेंट वुड टेक अवे द इंडेमनिटी प्रोवाइडेड टू सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज अंडर सेक्शन 79 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इन आवश्यकताओं में से किसी एक का पालन करने में विफलता सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा तहत सोशल मीडिया मध्यस्थों को प्रदान की जाने वाली क्षतिपूर्ति को छीन लेगी। सेक्शन 79 सेज दैट इफ एनी इंटरमीडियरी शुड नॉट हेल्ड लीगली और अदरवाइज लायबल फॉर एनी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन डेटा और कम्युनिकेशन लिंक मेड अवेलेबल। तो याद रखिएगा, तो तीन चीजें रखी गई हैं। पहली यह है कि आपको एक ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। दूसरी चीज यह है कि एक महीने में आपके पास कितनी रिपोर्ट्स आई हैं और आपने क्या एक्शन लिया है। और तीसरी चीज यह है कि आपको जो ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज है उसको ढूंढना है। अगर आप इन कंप्लायंसेस का पालन नहीं करते हैं तो सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट के तहत आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जल्दी बताइए सब लोग। बहुत बढ़िया, शाबाश, लाइक और शेयर हो जाए यार, 100+ पहुंचा दो। ऑनलाइन बेंचेस बाय एग्जाम्पोर, बहुत बढ़िया। और एग्जाम्पोर डिफेंस वॉरियर, क्या बात है, आप लोग तो बहुत ढीले पड़ जाते हैं। आप लोग जो हैं, समझा करो बेटा, यही असली खबरें हैं, यही है असली यूपीएससी लेवल का एग्जाम का डेटा। अब तुम एनडीए का पेपर दे रहे हो, सीडीएस का पेपर दे रहे हो, सीएपीएफ का पेपर दे रहे हो, तो बेटा इस लेवल की करंट अफेयर तुम्हें करनी ही पड़ेगी। फन लाइनर से काम नहीं चलेगा मेरे बच्चों। देखिएगा, ये तीसरी खबर आई है, काफी अच्छी खबर है, टोल प्लाजा को लेकर। टोल प्लाजा आज न्यूज में है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया टेक स्टेप्स टू एंश्योर वेटिंग टाइम शुड नॉट बी मोर देन 10 सेकेंड्स पर व्हीकल एट टोल प्लाजा। भाई साहब, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया आप जानते हैं किसके अंतर्गत काम करती है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमारे देश में आप जानते हैं इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर आपको मालूम होना चाहिए कौन है, नितिन गडकरी साहब हैं। और मैं आपको बता दूं कि नितिन गडकरी जो हैं वो बीजेपी के सबसे जबरदस्त मंत्रियों में से शामिल है, नो डाउट। आज भी अगर आप देखेंगे तो भारत में सड़कों को लेकर जो विकास हुआ है वो फिनोमिनल है। नेशनल हाईवेज हमारे देश के चमक चुके हैं, सड़कें बेहतरीन हो चुकी हैं, तो इसमें नितिन गडकरी साहब का बहुत बड़ा योगदान है। अब उनका ही ये कहना था कि भैया जब आप फास्ट ट्रैक ले आए, आप फास्ट ट्रैक वगैरह लेके आए हैं, तो टोल प्लाजा पे अब भी लाइन क्यों लगी है। तो इसके ऊपर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आज एक दिशा निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी गाड़ी को टोल प्लाजा पर 10 सेकंड से ज्यादा नहीं रोका जा सकता, समझिएगा। सो इन ऑर्डर्स टू एंश्योर स्मूथ एंड क्विक पैसेज ऑफ व्हीकल्स एट द टोल प्लाजा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इशूड गाइडलाइंस टू एंश्योर सर्विस टाइम नॉट मोर देन 10 सेकंड्स पर व्हीकल इवन ड्यूरिंग पीक आवर्स एट द टोल प्लाजा ऑन द नेशनल हाईवेज। टोल प्लाजा पर वाहनों के सुगम और त्वरित मार्ग को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा पर पीक आवर्स के दौरान भी प्रति वाहन 10 सेकंड से अधिक का सेवा समय सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी करे हैं। तो बहुत अच्छे दिशा निर्देश हैं कि 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। द न्यू गाइडलाइंस विल ऑल्सो इंश्योर सीमलेस फ्लो ऑफ ट्रैफिक एट टोल प्लाजा By not allowing vehicle to queue up more than 100 meters. तो दो चीजें कही गई हैं। पहली चीज ये है कि 10 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए एक गाड़ी पर, और दूसरी चीज जो लाइन से क्यू लगती जाती है, जो लाइन लगती जाती है, वो लाइन कभी भी 100 मीटर से ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। ऑल्दो द मोस्ट ऑफ द टोल प्लाजा देयर इज नो वेटिंग टाइम आफ्टर मैंडेटरी 100% फास्ट टैग, इवन देन इफ देयर इज अ क्यू ऑफ वेटिंग व्हीकल्स ऑफ मोर देन 100 मीटर ड्यू टू सम रीजन, द व्हीकल बी अलाउड टू पास विदाउट पेइंग टोल
टिल द क्यू कम्स विद इन 100 meters फ्रॉम द टोल बूथ। क्या बात है भाई साहब, काश ऐसा हमारे देश में होता। तो दिशा निर्देश कहते हैं कि अगर मान लेते हैं कि आपका जो लाइन है वो 100 मीटर से ज्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन में आप टोल नहीं लेंगे और व्हीकल्स को ऐसे ही पास होने देंगे जब तक कि वो लाइन वापस से 100 मीटर की ना आ जाए। भाई ये देखो, दिशा निर्देश तो हमारे देश में बहुत जारी होते हैं लेकिन सच्चाई ये है कि पालन कितने होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने तो कह दिया भैया, अब वहां तो बंदूक लेके खड़े रहते हैं बेटा, है ना, टोल दो वरना गोली मार देंगे, माँ बहन की गालियां तक चल जाती हैं बेटा। ठीक है, अगर आपने उनसे कह दिया कि भैया 10 सेकंड से ज्यादा हो गए तो कहेंगे उतर जाओ, निकल लो भैया पैदल, टोल तो तुम्हें देना पड़ेगा, समझ रहे हो बेटा। हाँ जी, सिंस NHAI हैज सक्सेसफुली ट्रांजिशन टू 100% कैशलेस टोलिंग फ्रॉम द मिडिल ऑफ फरवरी 2021, द ओवरऑल फास्टैग पेनिट्रेशन टू NHAI टोल प्लाजा हैज रीच्ड 96% एंड स्टैंड्स एट 99% मेनी टोल प्लाजा। चूंकि NHAI ने फरवरी 2021 के मध्य से सफलतापूर्वक 100% कैशलेस टोलिंग में परिवर्तन किया है, इसलिए NHAI टोल प्लाजा पर फास्टैग की कुल पहुंच 96% तक पहुंच गई और कई टोल प्लाजा पर 99% है। एज सोशल डिस्टेंसिंग हैज बिकम द न्यू नॉर्मल, मोर एंड मोर कम्यूटर्स आर ऑप्टिंग टू यूज फास्टैग एज इट रिमूव्स द चांसेस ऑफ एनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द ड्राइवर्स एंड द टोल ऑपरेटर्स। सो अच्छी चीज है। तो तीन गाइडलाइंस हैं। पहली गाइडलाइन ये है कि किसी भी गाड़ी को 10 सेकंड से ज्यादा नहीं रुकना है। दूसरा गाइडलाइन यह है कि जो लाइन लगती है वो लाइन कभी 100 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और तीसरा यह है कि अगर लाइन जो है 100 मीटर से ज्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन में आपको टोल देने की जरूरत नहीं है जब तक लाइन वापस 100 मीटर की नहीं हो जाती। अब प्रश्न तो यह उठता है कि लाइन 100 मीटर की है या नहीं है तो उसको नापेगा कौन जाकर के, कौन वहां पर लड़ाई लड़ेगा, लोग वैसे ही जल्दी में रहते हैं भारत में। ठीक है, चलिए एनीवेज, बहुत बढ़िया, तीन खबरें हो गई। चौथी खबर है ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को लेकर के। आयुष मंत्रालय के बारे में तो आप जानते ही होंगे भैया। तो आयुष इन न्यूज, आयुष मिनिस्टर, आपको मालूम है आयुष मिनिस्टर टू लॉन्च द रिपोजिटरी पोर्टल एंड आयुष संजीवनी ऐप टुमारो। तो आयुष संजीवनी ऐप कल भारत में लॉन्च होगी। अच्छा एक बात बताओ, चलो आप लोगों से क्वेश्चन, हमारे देश के आयुष मंत्री कौन है इस समय, जल्दी बताओ। आयुष आप जानते हैं ये हमारे देश में मेडिकल का एक डिपार्टमेंट है, इसके मंत्री कौन है जल्दी बताइए। आयुष मंत्री देश में कौन है, जल्दी 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 फास्ट फास्ट फास्ट, देखते हैं कौन बताएगा आयुष मंत्री कौन है देश में। अरे भैया पढ़ाई कर लिया करो, आयुष मंत्री कौन है इस समय भारत के, जल्दी देखते हैं, लेट्स सी। हर्षवर्धन, गलत बेटा, हर्षवर्धन तो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं, आयुष मिनिस्टर हैं मिस्टर किरण रिजेजू, यस, जो एक जमाने में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द होम अफेयर्स हुआ करते थे, किरण रिजेजू, अरुणाचल प्रदेश के हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के। लेकिन भाई साहब क्या हिंदी बोलते हैं, मैं बड़ा प्रभावित रहता हूं उनसे। अरुणाचल प्रदेश के हैं, नॉर्थ ईस्टर्न हैं, लेकिन ऐसी जबरदस्त शुद्ध हिंदी बोलते हैं ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा, याद रखिएगा। ये देखिए, मैंने कहा लोग भाग गए गूगल पर चेक करने के लिए, तो किरण रिजेजू साहब हैं, आ जाओ बेटा। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर आयुष किरण रिजेजू वो लॉन्च द आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी, ठीक है, आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी पोर्टल एंड द थर्ड वर्जन ऑफ आयुष संजीवनी ऐप ऑन 27 मई 2021। सो केंद्रीय आयुष मंत्री किरण रिजेजू 27 मई 2021 को आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी पोर्टल और आयुष संजीवनी ऐप का तीसरा संस्करण लॉन्च करेंगे, याद रखिएगा। सो आयुष संजीवनी ऐप आपने देखा होगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपने देखा होगा, ये काफी अच्छा है। ठीक है, तो ये है क्या, आयुष क्लिनिकल रिपोजिटरी पोर्टल। द आयुष क्लिनिकल रिपोजिटरी पोर्टल विल सर्व एज अ प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट बोथ आयुष प्रैक्टिशनर्स एंड जनरल पब्लिक, ठीक है। सो आयुष क्लिनिकल रिपोजिटरी पोर्टल आयुष चिकित्सकों और आम जनता दोनों के समर्थन के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। दिस पोर्टल एम्स टू एग्रीगेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लिनिकल आउटकम्स अचीव्ड बाय आयुष प्रैक्टिशनर्स ऑन अ लार्ज स्केल। इट इज एक्सपेक्टेड टू डॉक्यूमेंट द स्ट्रेंथेंस ऑफ आयुष सिस्टम फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीज। तो अब ये रिपोजिटरी क्यों बनाई गई है, मान लेते हैं कि एक पेशेंट आता है जिसको मान लेते हैं कि बेटा कैंसर की बीमारी है, या एक आता है जैसे हाइपरटेंशन की बीमारी है, एक आता है डायबिटीज की है, और उसको जो है आयुर्वेद से जो है कैसे ट्रीट किया गया, इसका एक रिपोजिटरी बनाया जाएगा।
ताकि जो डॉक्टर्स हैं, दूसरे डॉक्टर्स हैं, उसको इससे फायदा मिल सके और आम जनता भी पढ़ सके कि आयुर्वेद का कितना बड़ा योगदान है बीमारियों को सही करने में, याद रखिएगा, ठीक है। वन नोटेबल फीचर ऑफ द ACCR पोर्टल इज द डेडिकेटेड सेक्शन फॉर रिपोर्टिंग एंड पब्लिशिंग डिटेल्स ऑफ COVID-19 केसेस ट्रीटेड थ्रू आयु सिस्टम। बाकायदा इसमें यह भी बताया जाएगा कि COVID-19 पेशेंटों को आयुर्वेद के माध्यम से किस तरह से ठीक किया गया, ये देखिएगा। पोर्टल की एक उल्लेखनीय विशेषता आयु सिस्टम के माध्यम से इलाज किए गए COVID-19 मामलों की रिपोर्टिंग और विवरण प्रकाशित करने के लिए समर्पित है। सो आयु संजीवनी ऐप आप जानते हैं इज नाउ पब्लिश्ड ऑन द गूगल प्ले स्टोर एंड iOS। तो अब ये भैया गूगल प्ले स्टोर और iOS पर भी अवेलेबल है, संजीवनी ऐप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे आपने वो की थी ना, क्या नाम है, कौन सी थी वो, आरोग्य सेतु, जिसमें आज तक कोई सही नहीं आया है ना, दुनिया की सबसे तेज डाउनलोड ऐप थी, याद रखिएगा, आरोग्य सेतु, लेकिन आज तक उसमें कोई सही डेटा नहीं मिला। मेरे पड़ोस में जो है 500 मरीज हैं, आज तक उसने कभी ना दिखाया, हमेशा ग्रीन ही दिखाता रहता है, सब बढ़िया है, ठीक है। दिस वर्जन फैसिलिटेटेड अ सिग्निफिकेंट स्टडी डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग एफिशिएंसी ऑफ सिलेक्टेड आयुष इंटरवेंशन इंक्लूडिंग आयुष 64 एंड काबा सुरा कोडिनीर मेडिसिन इन द मैनेजमेंट ऑफ एसिम्प्टोमैटिक एंड माइल्ड टू मॉडरेट COVID-19 पेशेंट। यह संस्करण चयनित आयुष हस्तक्षेपों की प्रभावित के बारे में एक महत्वपूर्ण अध्ययन दस्तावेज की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें आयुष 64 और काबा सुरा कोडिनीर दवा स्पर्शोन्मुख और हल्के मध्यम COVID-19 के प्रबंधन में शामिल है, याद रखिएगा। तो बहुत अच्छी ऐप है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बढ़िया लगेगी, जाके डाउनलोड करिएगा, फिर बताइएगा, ठीक है। आगे पांचवी खबर, आहा, चलो भैया फाइनली हमारे देश में कुछ तो आया, तो हेट स्पीच लॉज इन न्यूज। भाई साहब, आपको मालूम है कि हमारे देश में हिंदू के आज ये बड़ी खबर है, तो भारत सरकार भैया ये हेट स्पीच पर कानून बनाने की बात करने जा रही है। देखो भैया, हेट स्पीच आप जानते हैं जो धर्म से प्रभावित होती हैं, लेकिन अब मैं आपको क्या क्या बताऊं, हमारे देश में कई सारे मंत्री, कई सारे पॉलिटिशियंस, सबसे ज्यादा तो इसमें मंत्री और पॉलिटिशियन ही शामिल है, आम आदमी क्या हेट स्पीच करेगा बेटा, सबसे ज्यादा तो मंत्री और पॉलिटिशियंस ही हमारे शामिल हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी को हेट स्पीच फैलाने में, आप नाम नहीं लेना चाहता, आप लोग नाम खुद बेहतर जानते हैं उन नेताओं के और पॉलिटिशियनों के, मंत्रियों के, जो हेट स्पीच फैलाते हैं, इनमें काफी बड़े और प्रचलित चेहरे भी शामिल हैं, आपको मालूम होना चाहिए। और इन हेट स्पीच के वजह से आपको मालूम है कि हमारे देश में कितनी बार मॉब लिंचिंग, हत्याएं, दंगे, सब कुछ हो चुके हैं। वैसे मुझे लगता है कि इस हेट स्पीच पर जो है मीडिया को भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा हेट स्पीच आजकल वही फैलाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो भारत सरकार हेट स्पीच पे कानून बनाएगी, आइए देखते हैं। अ पैनल कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द यूनियन होम मिनिस्ट्री टू सजेस्ट रिफॉर्म्स टू द ब्रिटिश एरा इंडियन पीनल कोड इज लाइकली टू प्रपोज अ सेपरेट सेक्शन ऑफ ऑफेंसेज रिलेटिंग टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्या बात है, तो IPC आप जानते हैं हमारे देश में IPC की धाराएं किसके ऊपर लगती हैं, तो जब आप कोई क्रिमिनल ऑफेंस करते हैं, तो भाई यूनियन होम मिनिस्ट्री ने एक पैनल को नियुक्ति करने की बात कर रही है, जो IPC में संशोधन करेगी और एक नए सेक्शन को जोड़ेगी जो हेट स्पीच से जुड़ा होगा, ठीक है बेटा, हाँ जी। तो ब्रिटिश युग के भारतीय दंड संहिता में सुधारों को सुझाव देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित एक पैनल भाषण और अभिव्यक्ति संबंधित अपराधों पर एक अलग धारा का प्रस्ताव कर सकता है। As there is no clear definition of what constitutes a hate speech in the IPC, the Committee for Reforms in Criminal Laws is attempting for the first time to define such speech. अब problem ये है कि hate speech है क्या? इसे कैसे define करेंगे? तो committee ये बताएगी actually hate speech होती क्या है? क्या वो किसी के धर्म के ऊपर अक्षेप करने से होता है? किसी की जाति के ऊपर होता है? किसी व्यक्ति के लिंग के ऊपर होता है? किसी के रंग के ऊपर होता है? भाषा के ऊपर आक्षेप करने से होता है? तो ये कमेटी इसको बताएगी, याद रखिएगा, ठीक है। चूंकि IPC में अभद्र भाषा का गठन करने कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, आपराधिक कानूनों में सुधार समिति पहली बार इस तरह के भाषण को परिभाषित करने का प्रयास कर रही है। द कमिटी इज एक्सपेक्टेड टू सबमिट द रिपोर्ट सून। द सजेशन रिसीव्ड बाय द कमिटी फॉर रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल लॉ विल बी एग्जामिन्ड बाय द मिनिस्ट्री बिफोर द चेंजेस आर अडॉप्टेड। उम्मीद है कि समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट देगी। आपराधिक कानूनों में सुधार समिति द्वारा प्राप्त सुझावों की जांच मंत्रालय द्वारा परिवर्तनों को अपनाने से पहले की जाएगी। चलिए भाई देखते हैं रिपोर्ट क्या आती है। इसके लिए इससे पहले एक विश्वनाथन कमेटी बैठाई जा चुकी है 2018 में।
Earlier in 2018, the Home Ministry has written to the Law Commission to prepare a distinct law for online hate speech, acting on a report by the committee headed by the former Lok Sabha Secretary T.K. Vishwanathan, who recommended stricter laws. The committee was formed in the wake of Section 66A of the Information Technology Act that provided punishments for sending offensive messages through the communication services, being scrapped by the Supreme Court in 2015. So, 2018 mein Vishwanathan Samiti ko bithaya gaya tha ki aap is par kuch bataiye कि ऑनलाइन जो हेट स्पीच होती हैं उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं। तो विश्वनाथन कमेटी ने तो बहुत तगड़े जो हैं रिफॉर्म्स बताए थे, लेकिन सरकार ने उनका पालन नहीं किया। एनीवेज चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बेटा हेट स्पीच पे लॉ बनाओगे ना तो ये तो वही बात हो जाएगी, जिस दाल पे बैठे हो उसी को काटोगे, समझ रहे हो। क्योंकि हमारे देश में हेट स्पीच सबसे ज़्यादा कौन फैलाता है? नेता, जो पॉलिटिशियन हैं, हमारे देश के बड़े बड़े मंत्री, हमारे देश के बड़े बड़े न्यूज़ एंकर्स, ये हेट स्पीच फैलाने में बेटा बादशाह हैं। बहुत तगड़े वाले, बहुत बढ़िया बढ़िया फैलाते हैं ये हेट स्पीच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। बड़ी खबर है और ये आपके एग्जाम में भी आ सकती है, USBRL उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक प्रोजेक्ट। ये देखो बेटा बहुत बड़ी खबर है। तो उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक प्रोजेक्ट, भाई जम्मू कश्मीर जब से यूनियन टेरिटरी बना है, भारत सरकार बहुत सारे प्रोसेस कर कोशिश कर रही है कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ला सकें। उसी के तहत याद रखिएगा कि ये प्रोजेक्ट आने की बात हो रही है, उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक प्रोजेक्ट। काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, ये देखते हैं। तो मिनिस्टर फॉर रेलवेज रिव्यूड द प्रोग्रेस ऑफ उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक प्रोजेक्ट। रेल मंत्री ने उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। आइए देखते हैं हमारे रेल मंत्री कौन है, बेटा मिस्टर पीयूष गोयल साहब, याद रखिएगा। उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक प्रोजेक्ट हैविंग लेंथ ऑफ 272 किलोमीटर लॉन्ग रेलवे लाइन फ्रॉम उधमपुर टू बारामुल्ला ज्वाइनिंग द कश्मीर वैली विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल प्रोजेक्ट इन 2002। उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक परियोजना, जिसे उधमपुर से बारामुल्ला तक 272 किलोमीटर रणवीर रेल लाइन है जो कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ती है, और इसे 2002 में राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित किया गया था। सो आज की तारीख में आप डायरेक्टली कश्मीर वैली नहीं जा सकते बेटा, बहुत ही स्ट्रिक्ट टेरेन है वहां पर, बहुत ही खराब रास्ते हैं, तो डायरेक्टली नहीं जा सकते। तो उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक से आप डायरेक्टली पूरे भारत से जो है ये कश्मीर वैली जुड़ जाएगी, जो कि भारत का सबसे खूबसूरत है। आउट ऑफ द 272 किलोमीटर वर्क हैज बीन कंप्लीटेड ऑन 161 किलोमीटर, याद रखिएगा 161 किलोमीटर काम कंप्लीट हो गया है। कंप्लीशन डेट ऑफ प्रोजेक्ट इज अप्रैल 2023, तो अप्रैल 2023 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। तो उधमपुर कटरा याद रखिएगा शुरू हो चुका है, ठीक है। कौजीगुंड बारामुल्ला ये शुरू हो चुका है, बनिहाल कौजीगुंड याद रखिएगा शुरू हो चुका है, कटरा तो बनिहाल 2022 तक, और कटरा बनिहाल सेक्शन यूएसएल परियोजना का कटरा बनिहाल खंड याद रखिएगा। तो ये धीरे धीरे चल रहा है काम, और उम्मीद है कि जल्दी ही ये पूरा होगा और हम सब जो हैं कश्मीर की वादियों में घूमने की जल्दी कोशिश करेंगे, याद रखिएगा। द वर्क ऑन इंटरवीनिंग स्ट्रेंथ ऑफ कटरा ये सब छोड़ दीजिए, देर आर 27 मेन टनल एंड 37 ब्रिजेस, याद रखिएगा। तो इस पूरे प्रोजेक्ट में 27 जो हैं बेटा टनल और 37 जो हैं ब्रिजेस हैं, याद रखिएगा। तो 27 टनल और 37 ब्रिजेस हैं, याद रखिएगा इस टोटल में, ठीक है। तो ये हो गई बेटा हमारी कितनी खबरें, ये हो गई हमारी 6 खबरें भाई, 6 खबरें हो गई। लाइक और शेयर तो ठोको यार, 100 प्लस अभी तक पहुंचा नहीं है। ऑनलाइन वेंचर्स बाय एग्जामपुर, बहुत बढ़िया। और भाई साहब हमारे एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर, आप तो बहुत ढीले पड़ रहे हैं, हमारे एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर वाले बच्चे बहुत ढीले पड़ जाते हैं भाई साहब, लगातार शेयर करते रहिए, ठीक है। हाँ जी बहुत बढ़िया, शाबाश, लाइक और शेयर, बहुत अच्छे, शाबाश। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बेटा 7वीं खबर है, इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट अपडेट, याद रखिएगा। अब देखो भैया, आपको मालूम है इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट बहुत तगड़ा चल रहा था, काफी लड़ाई हुई, 15-20 दिन काफी हुआ, उसके बाद एक सीज फायर हुआ। लेकिन अब यूनाइटेड नेशंस भैया इसके अंदर घुसा है, और संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि इजराइल में और पैलेस्टीन में जो इजराइल ने ह्यूमन राइट्स के वायलेशन किए हैं उसकी जांच होनी चाहिए। तो यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि इजराइल में जो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन किए हैं अब हमें उसकी जांच करने की जरूरत है, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ जी,
मेंबर स्टेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, आप जानते हैं OIC एक ग्रुप है बेटा। OIC का मतलब आप जानते होंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन। ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें दुनिया के ज्यादा सारे इस्लामिक देश हैं। इसने शिकायत करी है, आर कॉलिंग अप द UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल टू सेट अप अ परमानेंट कमीशन टू रिपोर्ट ऑन ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन इजराइल, गाजा एंड वेस्ट बैंक। द मूव कम्स इन द वेक ऑफ द लेटेस्ट सर्ज इन वायलेंस इन द इजराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट। इस्लामिक सहयोग संगठन के सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से इजराइल, गाजा और वेस्ट बैंक में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर रिपोर्ट करने के लिए स्थायी आयोग का गठन करने का आह्वान कर रहे हैं। यह कदम इसके मद्देनजर आया है, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में हिंसा का नवीनतम उछाल है, याद रखिएगा। तो भाई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन जो OIC के मेंबर्स हैं वो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल चले गए और उन्होंने कहा कि इजराइल, गाजा स्ट्रिप और ये जो आपका वेस्ट बैंक है, यहां पर जो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हुए हैं उसकी जांच होनी चाहिए, इसके लिए परमानेंट कमीशन का गठन किया जाए, याद रखिएगा। इट विल बी एन इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इंक्वायरी अपॉइंटेड बाय UNHRC प्रिसाइडिंग टू इन्वेस्टिगेट वायलेशंस ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ इन इजराइल एंड पैलेस्टीनियन एरियाज। यह UNHRC अध्यक्ष द्वारा इजराइल और फिलिस्तीन क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय मानवीय और मानवाधिकार कानूनों का उल्लंघन की जांच के लिए नियुक्त एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग होगा। अ कमीशन ऑफ इंक्वायरी इज द हाईएस्ट लेवल स्क्रूटनी दैट द काउंसिल कैन ऑथराइज, याद रखिएगा। सो ये काफी बड़ी चीज होगी, आइए देखते हैं आने वाले समय में इसमें क्या होगा, वो तो वक्त ही बताएगा, चलता रहता है ये, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए, इजराइल बैक्ड एट टाइम बाय द यूनाइटेड स्टेट्स अक्यूजेस द काउंसिल ऑफ एंटी इजराइल बायस एंड हैज जनरली रिफ्यूज टू कॉपरेट विद दिस इन्वेस्टिगेशन। इजराइल संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा कई बार समर्थित इजराइल विरोधी पूर्वाग्रह का आरोप लगाता है और आमतौर पर अपने जांचकर्ताओं के साथ सहयोग करने से इंकार कर दिया है। अब समझिएगा, अमेरिका का कहना है कि भैया ये जो जांच होगी ये यूनाइटेड नेशंस करता है, ये एंटी इजराइल होती है और ये हमेशा इजराइल को ही दोषी बताते हैं। चलिए भाई, अब ये तो आरोप लगते रहते हैं। आगे आखिरी खबर है, ये देखिए, ये अच्छी खबर है, WHO बायो हब इनिशिएटिव। ये देखिए एक बड़ी अच्छी खबर है, ये बड़ी अच्छी खबर है, WHO ने निकाला है, WHO लॉन्चेस ग्लोबल फैसिलिटी फॉर पैथोजन स्टोरेज शेयरिंग एंड एनालिसिस। तो पैथोजेंस क्या होते हैं बेटा, यही वायरस बैक्टीरिया वगैरह ये सब। तो WHO ने कहा है कि दुनिया भर के जो वायरसेस हैं, मान लेते हैं कोई वायरस अफ्रीका में है या कोई वायरस भारत में हुआ या कोई अमेरिका में आया, तो उसे जो है दुनिया भर के लैब्स में भेजा जाना चाहिए ताकि हर देश उसके ऊपर स्टडी कर सके, उसका एनालिसिस कर सके और अपने देश के लिए तैयारी कर सके, याद रखिएगा। सो WHO ने कहा है कि आने वाले समय में भैया ऐसी चीजें दोबारा हो सकती हैं, इसलिए पहले से तैयार रहना बेहतर है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड स्विट्जरलैंड हैज लॉन्च्ड अ बायो हब फैसिलिटी दैट विल अलाउ पैथोजन शेयरिंग बिटवीन लेबोरेटरीज एंड फैसिलिटेट एनालिसिस एंड प्रिपेयरनेस अगेंस्ट देम। सो विश्व स्वास्थ्य संगठन और स्विट्जरलैंड ने एक बायो हब सुविधा शुरू की है जो रोग जनकों को प्रयोगशालाओं के बीच साझा करने और उनके खिलाफ विश्लेषण और तैयारी की सुविधा प्रदान करेगी। तो काफी अच्छी चीज है। सो अबाउट बायो हब, द फैसिलिटी विल हेल्प इन सेफ रिसेप्शन, सीक्वेंसिंग, स्टोरेज एंड प्रिपरेशन ऑफ द बायोलॉजिकल मटेरियल्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू द लेबोरेटरी सो दैट फैसिलिटेट ग्लोबल प्रिपेयरनेस अगेंस्ट दिस पैथोजेंस। यह सुविधा अन्य प्रयोगशालाओं में वितरण के लिए जैविक सामग्री के सुरक्षित स्वागत, अनुक्रमण, भंडारण और तैयारी मदद करेगी ताकि इन रोग जनकों के खिलाफ वैश्विक तैयारी की सुविधाजनक बनाया जा सके। इट विल एनेबल मेंबर स्टेट टू शेयर बायोलॉजिकल मटेरियल्स एंड विद बायो बायो हब अंडर द प्री अग्रीड कंडीशन इंक्लूडिंग बायो सेफ्टी, बायो सिक्योरिटी एंड अदर एप्लीकेबल रेगुलेशंस। तो भैया अब जैसे कि मान लेते हैं कि कोई पैथोजन जो है भारत में है तो भारत उसे अमेरिका भेज दे कि भैया तुम इसकी जांच कर लो, ये हमारे यहाँ आया, हो सकता है तुम्हारे यहाँ आ जाए, तो तुम्हारे यहाँ आ जाए उससे पहले इसको भैया तुम निपटा लो। या चाइना में कोई वायरस आ गया, चाइना ने भारत को भेज दिया कि भैया देखो ये हमारे यहाँ वायरस है, हमने तुम्हें साझा कर दिया, अब इसके ऊपर तुम एनालाइज कर लो और अपने देश के लिए तैयार रह लो, कहीं तुम्हारा ना हो जाए। जब से ये COVID-19 हुआ है ना, जब से दुनिया भर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती रही हैं, ठीक है। इन पैरेलल WHO विल ब्रॉडन इज बायो हब सिस्टम फॉर द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल क्वालिफाइड एंटिटीज सच एज मैन्युफैक्चरर्स। सब बकवास चीजें हैं। तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये बायो हब फैसिलिटी है, ये बायो हब जो सुविधा है ये क्या है? तो दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बायो हब क्या है? तो बायो हब एक सुविधा है जहां पर पैथोजेंस को जो है एक लेबोरेटरी से दूसरी लेबोरेटरी में भेजा जा सकता है।
दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किसने लॉन्च किया है, तो WHO ने। तीसरा क्वेश्चन, कौन सा देश इसमें शामिल है WHO के साथ, तो स्विट्जरलैंड के साथ मिलकर WHO ने किया है। तो ये हो गई भैया आज की 8 खबरें। कैसी रही खबरें जल्दी बताइएगा, अब प्रैक्टिस क्वेश्चन और वन लाइनर भी होने वाले हैं, जल्दी बताइए और लाइक तो ठोक दो यार, बहुत बढ़िया शाबाश। तो ये भैया हमारा CDS OTA का शेड्यूल है, आप देख सकते हैं सुबह 8 बजे डॉक्टर अमित सिसोदिया की क्लास से शुरू होकर के रात में करंट अफेयर्स की क्लास तक चलता है। मतलब समझ रहे हो, मतलब सुबह 8 बजे वोकैब लैडर और रात में 8 बजे करंट अफेयर्स, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। NDA का शेड्यूल देख सकते हैं सुबह 8 बजे वैसे ही अमित सिसोदिया सर के साथ, और रात में यहां पर 10 बजे तक चलता है। लास्ट क्लास जो है मैथ्स की अजय बेनीवाल सर की होती है, आप जानते होंगे। चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं आज के 5, आइए देखते हैं आज के 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन किए जाएं। आओ भैया, गलत मत करना भैया, मजा आएगा। पहला क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द आयुष क्लिनिकल रिपोजिटरी पोर्टल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आयुष क्लिनिकल रिपोजिटरी पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इट विल सर्व एज अ प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट बोथ आयुष प्रैक्टिशनर्स एंड जनरल पब्लिक। यह आयुष चिकित्सक और आम जनता दोनों का समर्थन करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। इट हैज डेडिकेटेड सेक्शन फॉर रिपोर्टिंग एंड पब्लिशिंग डिटेल्स ऑफ COVID-19 केसेस ट्रीटेड थ्रू आयुष सिस्टम। इसमें आयुष सिस्टम के माध्यम से इलाज किए गए COVID-19 मामलों की रिपोर्टिंग और विवरण प्रकाशित करने के लिए समर्पित अनुभाग है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको मालूम होगा ये बहुत बढ़िया है, गलत मत करना मेरे बच्चों, बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ बिल्कुल सही है। राइट आंसर बेटा सी है, तो सी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। अच्छा आंसर पहले ही से दिख रहे थे ऐसा क्या? ओके ये देखिएगा, विद रेफरेंस टू द इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स को कंसीडर द फॉलोइंग। मध्यवर्ती दिशा निर्देशों और डिजिटल मीडिया आचार संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार करें। द गाइडलाइंस हैज आस्क्ड ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू सेट अप अ ग्रीवियंस रिड्रेसल कंप्लायंस मैकेनिज्म विच इंक्लूडेड अपॉइंटिंग अ रेसिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर एंड नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन। दिशा निर्देशों में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शिकायत निवारण और अनुपालन तंत्र स्थापित करने के लिए कहा गया था, जिसमें एक निवासी शिकायत अधिकारी, मुख्य अनुपालन अधिकारी और एक नोडल संपर्क व्यक्ति की नियुक्ति शामिल है। सेक्शन 79 सेज एनी इंटरमीडियरी शैल नॉट बी हेल्ड लीगली और अदरवाइज लाइबल फॉर एनी थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन डेटा और कम्युनिकेशन लिंक मेड अवेलेबल होस्टेड ऑन प्लेटफॉर्म। धारा 79 ने कहा गया है किसी भी मध्यस्थ को उसके प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध या होस्ट की गई तीसरे पक्ष की जानकारी डेटा संचार लिंक के लिए कानूनी या अन्यथा उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। जल्दी बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल सही जवाब आप लोग देंगे मुझे मालूम है। राइट आंसर सी है, बोथ 1 और 2 इज द राइट आंसर, ठीक है शाबाश। मेके डाटू मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इन्वॉल्व बिल्डिंग अ बैलेंसिंग रिजर्वायर अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। मेके डाटू बहुउद्देशनीय परियोजना में निम्नलिखित में से किस नदी पर एक संतुलित जलाशय का निर्माण शामिल है? भाई साहब कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा। बहुत ही ईजी है यार, ये तो तुम ऐसे ही बता दोगे चुटकियों में, ये तो चुटकियों बता दोगे। कर्नाटका में हुआ है बवाला कावेरी नदी को लेकर के, याद रखेगा ठीक है। हाँ जी मेके डाटू, विद रेफरेंस टू द टोल प्लाजा कंसिडर द फॉलोइंग। टोल प्लाजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। द न्यू गाइडलाइंस विल इंश्योर सीमलेस फ्लो ऑफ ट्रैफिक एट द टोल प्लाजा बाई नॉट अलाउइंग व्हीकल टू क्यू अप फॉर मोर देन 100 meters। नए दिशा निर्देश वाहनों को 100 meters से अधिक कतार में नहीं लाने पर टोल देकर प्लाजा यात्रा निर्माण प्लान सुनिश्चित करेंगे। द ओवरऑल फास्टैग पेनिट्रेशन एन आइस टोल प्लाजा हैड रीच 100%। टोल प्लाजा पर फास्टैग की पहुंच 100% तक पहुंच गई है, बहुत बढ़िया बेटा। फास्टैग 100% तो अभी तक नहीं हुए, आज भी बहुत सारी गाड़ियां हैं जिसमें फास्टैग नहीं है। आपको मालूम है सरकार का कहना है कि 96% हो गया, ये गलत स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 5, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड डैश हैव लॉन्च्ड अ बायो हब फैसिलिटी टू अलाउ द पैथोजन शेयरिंग बिटवीन लेबोरेटरीज एंड फैसिलिटेट एनालिसिस एंड प्रिपेयर्डनेस अगेंस्ट देम। विश्व स्वास्थ्य संगठन और डैश ने एक बायो हब सुविधा शुरू की है जो रोगजनकों और को प्रयोगशालाओं के बीच साझा करने और उनके खिलाफ विश्लेषण और तैयारी की सुविधा प्रदान करेगी। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। हाँ जी बिल्कुल सही है, तो WHO और स्विट्जरलैंड ने मिलकर तैयार किया शब्द, शाबाश, बहुत अच्छे शाबाश बच्चों। आइए देखते हैं वन लाइनर्स। भाई जो हमारे बच्चे छोटे एग्जाम्स दे रहे हैं, खास तौर से SSC हो गया या XY ग्रुप वगैरह हो गया, उनके लिए ऐसे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, लेकिन इसका यह मतलब नहीं ऐसे क्वेश्चन UPSC नहीं पूछता, पूछ भी सकता है ठीक है। पहला है, चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला
Pinari Vijayan announced a secretary level committee will formulate guidelines and recommendations on implementation of smart kitchen scheme in state to fulfill commitments of left democratic front. केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने LDF वाम लोकतांत्रिक मोर्चा के प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए राज्य में स्मार्ट किचन योजना के कार्यान्वयन पर दिशा निर्देश और सिफारिशें तैयार करने के लिए एक सचिव स्तर की समिति घोषणा करी है। तो स्मार्ट किचन स्कीम आपको मालूम होना चाहिए, ये केरला में चलती है जहां पर सभी बच्चों को जो है खाना प्रोवाइड किया जाता है गरीबों वगैरह को। दूसरा है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज लॉन्च सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन सेहत ओपीडी पोर्टल। हाईलाइट सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड डिफेंस सर्विसेज डॉक्टर्स हु आर ऑन रेगुलर ड्यूटीज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया है। हाईलाइट सेवा रक्षा सेवा डॉक्टरों द्वारा प्रदान की जाएगी जो नियमित ड्यूटी पर हैं। तीसरा, इंडियन इकोनॉमिस्ट एंड नोबल लॉरेट अमर्त्य सेन वॉज कन्फर्म विद द प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियाज अवार्ड इन सोशल साइंस कैटेगरी विच स्पेन्स टॉप्स प्राइज। ही वॉज सेलेक्ट आउट ऑफ 41 कैंडिडेट फ्रॉम 20 कंट्रीज। क्या बात है, बहुत बड़ी खबर है बेटा ये। तो भारतीय अर्थशास्त्रीय नोबल पुरस्कार विजेता अमर्त्य कुमार सेन को सामाजिक विज्ञान श्रेणी में प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड से सम्मानित किया गया जो स्पेन का शीर्ष पुरस्कार है। उन्हें 20 देशों के 41 उम्मीदवारों में से चुना गया था। चौथा है, बिलव्ड चिल्ड्रंस ऑथर एंड इलस्ट्रेटर एरिक कार्ले डाइड एट 91। ही वॉज फेमस अमंग द चिल्ड्रन फॉर क्लासिक द वेरी हंग्री कैटरपिलर अदर सच वर्क्स। अबाउट एरिक कार्ले, ही वॉज एन अमेरिकन डिजाइनर इलस्ट्रेटर एंड चिल्ड्रंस ऑथर। प्यारे बच्चों के लिए था, और चित्रकार एरिक कार्ले का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो अपने क्लासिक द वेरी हंग्री कैटरपिलर और ऐसे अन्य कार्यों के लिए बच्चों के बीच प्रसिद्ध थे। एरिक कार्ले के बारे में, वह एक अमेरिकी डिजाइनर चित्रकार बच्चों के लेखक थे। पांचवी खबर, चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम हिमंता बिस्वा शर्मा अपॉइंटेड गार्जियन मिनिस्टर इन द स्टेट। फंक्शन ऑफ द गार्जियन मिनिस्टर विल लुक आफ्टर बैलेंस स्पीडी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट 34 डिस्ट्रिक्ट। ये बहुत अच्छी खबर है। तो भैया एक नए तरह के मंत्री आए जिनका नाम है गार्जियन मिनिस्टर। सो गार्जियन मिनिस्टर कहां पर आए हैं बेटा, गार्जियन मिनिस्टर आए हैं आसाम में, जो ये देखेंगे कि राज्य में जो है डेवलपमेंट के काम कैसे चल रहे हैं 34 जिलों में, याद रखिएगा। सो ये गार्जियन मंत्री हैं, जैसे माँ बाप होते हैं ना, वो देखते रहते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं कैसा कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसी तरह ये देश राज्य के 34 जिलों पे नजर रखेंगे, गार्जियन की तरह काम करेंगे। अब ये गार्जियन की तरह काम करें तो अच्छा है, कहीं ऐसा ना हो ये कमाई करने लग जाए, उसमें काम नहीं किया लाओ पैसा लाओ, ठीक है। गार्जियन की तरह करें तो अच्छी बात है। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, गवर्नर ऑफ हरियाणा SN आर्या अप्रूव द हरियाणा रिकवरी ऑफ डैमेज प्रॉपर्टी बिल। अकॉर्डिंग टू बिल, एनी डैमेज क्रिएटेड टू पीपल शॉप हाउसेज वेंडर कार्ड्स गवर्नमेंट ऑफिसेज बसेज व्हीकल अदर सच पब्लिक प्रॉपर्टी विल रिकवर्ड फ्रॉम द प्रोटेस्टर्स। अच्छी चीज है, ये हरियाणा के गवर्नर SN आर्या साहब ने कानून को पास किया है जहां पर उन्होंने कहा है कि जब कोई हड़ताल होती है, कोई भैया ये प्रोटेस्ट होता है, तो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। तो भैया ये साफ कर दिया गया कि अगर आपने सरकारी संपत्ति को नुकसान किया तो उस कंडीशन में पैसा आपसे वसूला जाएगा। बहुत अच्छी बात है, वसूलना भी चाहिए भैया, ठीक है। हाँ जी, जस्ट बिफोर द सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड नो टोबैको डे ऑन 31 मई, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज कोलैबोरेशन पर्सिस्ट स्टडीज ऑन नंबर ऑफ स्मोकर्स वर्ल्ड वाइड। 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस के उत्सव से ठीक पहले ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज सहयोग ने दुनिया भर में धूम्रपान करने वालों की संख्या पर अध्ययन प्रकाशित किया है। ये देखिएगा, हम देखेंगे ये 31 तारीख को रिपोर्ट आएगी तो मालूम चलेगा कि दुनिया में सिगरेटबाज कितने हैं, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ जी, आठवीं है, सैक्रिफिशियल पिट वॉज रिसेंटली डिस्कवर्ड एट सेंग्युडी रूइंस साइट इन चाइना हाईलाइटिंग द ग्रेटनेस चाइनीज सिविलाइजेशन। चीनी सभ्यता की महानता को उजागर करते हुए हाल में ही चीन के सेंग्युडी रूइंस साइट पर एक बलि का गड्ढा खोजा गया था। नेक्स्ट, नवी खबर है, रिसेंटली उत्तराखंड हाईकोर्ट हैज क्रिटिसाइज स्टेट गवर्नमेंट फॉर निग्लेक्टिंग एंड फोर्सिंग फैमिलीज ऑफ वन गुज्जर्स नोमैडिक ट्राइब टू सर्वाइव इन कंडीशन बिलो एनिमल्स एग्जिस्टेंस। हाल में ही उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने वन गुर्जरों के खाना बदोश जनजाति के परिवारों की अपेक्षा करने और जानवरों के अस्तित्व के नीचे की स्थिति में जीवित रहने के लिए मजबूर करने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की। तो बहुत ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड ने हाईकोर्ट ने कौन से कम्युनिटी, जो वन गुज्जर्स होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, इनकी जो हालात है वो बहुत ख़राब को देखते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जो है सरकार को फटकार लगाते कहा है कि आपने इनके लिए कोई काम नहीं किया। और दसवीं है, यूनाइटेड नेशंस हैज वॉर्न्ड देयर आर रिस्क ऑफ फैमीन इन टाइगरी रीजन इफ असिस्टेंस इज नॉट प्रोवाइडेड अर्जेंटली
अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स यूएन मेजर्स नीड टू बी टेकन अवॉइड फैमिन इन इथियोपिया टिग्रे रीजन। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है यदि तत्काल सहायता प्रदान नहीं की गई तो टाइग्रे क्षेत्र में अकाल का खतरा है। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों के अनुसार इथियोपिया टाइग्रे क्षेत्र में अकाल से बचने के उपाय किए जाने की आवश्यकता है। तो ये बता दिया है कि भैया टाइग्रे रीजन है जो कि इथियोपिया में है। इथियोपिया आपको मालूम होना चाहिए, ये अफ्रीका का एक बहुत गरीब देश है और वहां पर याद रखिएगा, ठीक है। हाँ जी, तो ये हो गया भैया हमारा डन, ये हो गया भैया आज के करंट अफेयर्स। कैसा रहा आज का करंट अफेयर्स जल्दी बताइए सब लोग। थैंक यू, बहुत बढ़िया। आदर्श मिश्रा, मोटिवेट ऐसे ही रहा करो हमेशा, मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तुम शेर हो और शेर की तरह रहो, हमेशा खुद मोटिवेट रहो। बहुत बढ़िया, शाबाश, थैंक यू। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। जब तक ना हो तब तक मजा नहीं आता है जीवन में। चलो भाई, और आज आपकी रात 10 बजे वाली क्लास नहीं हो पाएगी, ठीक है, मेरा कुछ काम फंस गया है तो आज रात 10 बजे वाली क्लास नहीं होगी, वो कल हो पाएगी, ठीक है बेटा। हाँ, आज रात 10 बजे क्लास नहीं है। एग्जाम पर डिफेंस वॉरियर और ऑनलाइन बेंचर्स पर एग्जाम पर दोनों को बता दिया है कि आज रात 10 बजे हमारी क्लास जो जीएस प्रैक्टिस की होती है वो नहीं हो पाएगी, कुछ कारणवश उसे कैंसिल करना पड़ा है, ठीक है, ओके, वो कल करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।